दोस्तों आपका हमारे चैनल टेक केयर पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि माइक्रोवेव में ढोकला कैसे बनता है। ढोकला हम माइक्रोवेव मोड पे बनाएंगे और 5 मिनट का टाइम लगेगा। आप किसी भी माइक्रोवेव में ढोकला बना सकते हो, चाहे आपके पास सोलो माइक्रोवेव है, ग्रिल है और कन्वेक्शन है, किसी भी माइक्रोवेव में आप ढोकला बना सकते हो। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ताकि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकें। आइए अब हम देखते हैं ढोकला कैसे बनाते हैं। ढोकला बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप बेसन, 1/2 कप सूजी, 1 कप दही, 1/2 कप। अभी हमने इसे 2 चम्मच ऑयल यूज करेंगे। नमक स्वाद अनुसार, दो चम्मच चीनी, 2 चम्मच नींबू का रस, 1/2 अदरक यूज करेंगे इसमें। और अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अभी इसमें हम थोड़ी सी हल्दी यूज ऐड करेंगे कलर के लिए, इससे कलर थोड़ा अच्छा आ जाता है, बढ़िया आता है। पानी ऐड करेंगे, पानी हमने धीरे धीरे ऐड करना है और अच्छी तरह से इसके सारे लम्स निकाल देने हैं। और ये ध्यान रखना है कि आप ढोकला बनाते हुए ज्यादा पतला ना कर दें इसको। अभी हमने 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है ताकि पानी अच्छी तरह से सोख हो जाए। 10 मिनट हो चुके हैं तो आप इसको चेक कीजिए, अगर आपको लग रहा है इसमें थिक हो गया है या पानी सोख कर चुके हैं, तो पानी की जरूरत है तो थोड़ा पानी आप ओवर ऐड कर सकते हो। अभी हम ग्रीसिंग कर लेते हैं। अच्छी तरह से ग्रीसिंग कर लीजिए ताकि ढोकला इसके साथ चिपके ना और आराम से ढोकला बाहर आ जाए जब भी तैयार हो जाए। अभी हम इसमें 1 चम्मच इनो ऐड करेंगे। इनो ऐड करने के बाद आपने ज्यादा नहीं हिलाना है इसको, बस इनो को मिक्स करना है ताकि ढोकला आपका सॉफ्ट बने। उसको अच्छी तरह से टैप कर देना ताकि बबल वगैरह निकल जाए इसमें से। माइक्रोवेव में रख देना। माइक्रोवेव का लैंप खराब हो चुका है, अब इसने माइक्रो मोड चलाना है 5 मिनट के लिए आपने, और स्टार्ट कर देना है।
थोड़ा टाइम, 5 सेकंड लगे, बस अभी हम ढोकला निकालेंगे। ढोकला हमारा तैयार है, माइक्रोवेव का बल्ब खराब हो गया है, ठीक करवाते हैं इसको। अभी हम चेक करेंगे इसको, ढोकला हमारा तैयार है बिल्कुल रेडी। अब ढोकले को ठंडा करके इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। टेम्परिंग के लिए हम ऑयल डालेंगे थोड़ा सा और इसको माइक्रोवेव में गर्म करेंगे। अब इसको 1 मिनट का टाइम देंगे माइक्रोवेव मोड पे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम निकालेंगे इसको। बस अभी इसमें राई ऐड करेंगे 1 चम्मच, थोड़े कड़ी पत्ता डालेंगे, अभी इसमें हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च काट लेनी है, आधी आधी कर लेनी है लंबे। अभी इसको मिक्स कर लीजिए। और 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव में इसको दोबारा से गर्म करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स हो गया, कड़ी पत्ता और राय की खुशबू आनी शुरू हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप पानी। दो चम्मच चीनी, और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। अभी हम इसको बॉईल कर देंगे। और अब हम इसको 1 मिनट के लिए चला लेंगे। बस 10 सेकंड रह गए हैं, टेम्परिंग हमारी तैयार है। अगर आपको लगे कि बॉईल नहीं हुआ है 1 मिनट में, आप टाइम ज़्यादा भी दे सकते हो उसको, टाइम बढ़ा सकते हो अपने हिसाब से। अभी हमने आपको पूरा माइक्रोवेव बनाने का तरीका बनाया, और टेम्परिंग ये आप गैस पे बनाना चाहो तो उस पर भी बना सकते हो। हमने आपको पूरा माइक्रोवेव बना के दिखाया। अभी हम ढोकले को निकालते हैं। इसे पहले चाकू से ऐसे कर लीजिए ताकि ढोकला आसानी से निकल जाए। ढोकला हमारा एकदम फ्लफी और सॉफ्ट तैयार हुआ है। अब हम इसकी टेम्परिंग करेंगे। अब हम इसमें धनिया ऐड कर देंगे। ढोकला हमारा बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। आइए इसको काट के देखते हैं।
ढोकला हमारा बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्ज बना है। ये देखिए नेट बन के आई है, ये आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है ये। अगर हम आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।